हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम और ये ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है, तो अभी यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। अर्ली मॉर्निंग के बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम फिनिश करके और इसके बाद आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ इनके और बच्चों की फरमाइश पर इन लोगों के लिए यहाँ पर ये दाल वाली जो कचौड़ियाँ होती हैं ना, जिसको काफ़ी सारे लोग बेड़े ही बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक कुम्हाड़े की बड़ी मिलती है, उसकी सब्ज़ी बनती है, वो मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी तो इनको मतलब वो अच्छी लग गई थी। अभी मैंने इनको एक दो दिन पहले बना के खिलाई थी तो फिर इन्होंने बोला कि वही वाली सब्ज़ी बनाओ और ऐसी वाली पूड़ियाँ बनाना। तो आज मैंने सोचा चलो क्यों ना नाश्ते में बना दूँ, और कभी कभी इस तरीके की चीज़ नाश्ते में बना के खाओ तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो जनरली जो लोग बाहर नाश्ता करते हैं तो मोस्टली जो हमारा मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट होता है उसमें यही मिलता है, दही कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, मूंग की दाल की कचौड़ी या फिर बेड़मी टाइप की जो मसाले वाली पूड़ी होती है वो। तो मैं यहाँ पर ये बना के दे रही हूँ, साथ ही बना रही हूँ मैं चाय। तो गर्मा गर्म मसाले वाली पूड़ी के साथ चाय और जो सब्जी है वो मैंने रेडी की हुई है, तो फटाफट से बना लूँगी। और आज बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है और कार्तिक को तो ये मतलब बहुत पसंद है, कावे ने भी खा लिया था जब मुझे मतलब बताया था, तो मुझे मतलब भी याद आ गया कि हाँ उसको भी पसंद आया था। वैसे बच्चे ये ना जल्दी हर कोई चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ कार्तिक को इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो जब कभी बनाती हूँ तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो बनकर तैयार हो चुका है आज का नाश्ता, आ जाइए आप सभी टेस्ट कर लीजिए और बताइएगा ज़रूर कैसा बना है, कौन कौन इस तरीके से बनाता है। और अभी नाश्ता वगैरह करवा के यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ आज बच्चों के स्कूल में, इनके स्कूल की पीटीएम है इसी वजह से आज बच्चों की छुट्टी है। और ये गणपति जी पधार रहे हैं आज हमारे यहाँ। इस ब्लॉग को मैं थोड़ा सा एडिट करने में लेट हो गई हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और बस इनके साथ मैं जा रही हूँ तैयार होके स्कूल, और स्कूल जा रही हूँ तो इसीलिए मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई है। अच्छा लगता है इस तरीके से पेरेंट्स मतलब रेडी होके आते हैं। आज के दिन स्कूल में सारे टीचर्स भी जो है साड़ी ही पहनकर मिलते हैं और स्कूल में पहुंच गए हैं। इसके बाद बस फटाफट से टीचर से मिलूंगी जाके, अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है तो अंदर मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूंगी और मीटिंग अटेंड करके आ गई हूँ मैं बाहर। तो अभी जो बच्चों का सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था तो उसी का मुझे रिज़ल्ट देखना था। काव्य की ये नोटबुक्स भी दिखाई जाती हैं तो उसमें थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है देख के, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फर्स्ट टाइम काव्य को अब पेपर और अलग से एग्ज़ाम जो शीट होती है वो आंसर शीट वो मिलना शुरू हुई है, तो मुझे ये देखना था कि इसका लिखने का प्रोसेस कैसा है, किस तरीके से ये काम करती है, कि ठीक से लिख पाती है या नहीं। तो वही कुछ मिस्टेक्स थी जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे सुधारनी है, लेकिन हाँ काव्य की मार्किंग बहुत अच्छी थी और कार्तिक की भी अच्छी थी। और ये एक और गणपति जी जा रहे हैं आफ्टरनून के टाइम पे जब मैं वापस आ गई हूँ, बहुत ही धूमधाम से। और गणपति जी का ये त्यौहार पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हर जगह पे आप सब भी बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे गणपति जी की इस त्यौहार को। तो गणपति जी का आगमन हो चुका है, काफ़ी बड़े गणपति जी हैं और काफ़ी सारी भीड़ है, ढोल जो बज रहा है ना बैंड उसके साथ सब लोग स्वागत करते हुए जा रहे हैं गणपति जी को लेकर। घर पे विराजमान करेंगे और फिर उनकी पूजा अर्चना चलती है। तो अभी यहाँ पे इस तरीके से मेरे यहाँ पर पहले गणपति जी रखे जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से कोरोना हुआ है तब से गणपति जी नहीं रखे जा रहे हैं। और इसके बाद अभी यहाँ पर मैं ये जो जबे हैं ये हाथ के बनाए हुए जबे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। आजकल तो मार्केट में नमकीन सेवइयाँ मिलती हैं जो छोटे वाले होते हैं ना, रोस्टेड भी आते हैं या फिर आप इस तरीके से ले सकते हो, लेकिन ये घर के बने हुए थे तो काफ़ी दिन से रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आज इनको इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि बने हुए रखे हो ना तो फिर ये जब बनाने का नंबर आए तो बस फटाफट से बना लो। और वैसे ये कुकर में अगर आप इनको रोस्ट करो तो ये बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, कढ़ाई में एक दो मेरा लग गया है थोड़ा सा, तो बस इसको मैं अभी थाली में पलट के ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ है
और आज काफ़ी सारे मुझे काम करने हैं, तो जब कभी ऐसे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो तो फिर हो जाता है कि जो काम दिख रहा है वो कर लो। और ये देखिए कितने बारीक होते हैं, मतलब इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है जो लोग हाथ से बनाते हैं, और देखने में तो बहुत अच्छे सुंदर हैं एकदम से, खाने में भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मेरी दादी बहुत बनाती थी इस तरीके से। और अभी यहाँ पर मैं जो है यहाँ पे कुछ सामान है जो मैंने इनसे मंगाया हुआ था तो वो रखा हुआ है, तो बस यहाँ से ये सारा सामान सेट करने वाली हूँ। तो कुछ ही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे पॉलिथीन में पैक होकर आता है ना, तो डिब्बों में करके रख दो फिर वो छोटे छोटे पैकेट अलग अलग पड़े ही रहते हैं। तो मूंगफली के दाने हैं, तो अभी जो बच जाएंगे वो मैं रख दूँगी क्योंकि इस बॉक्स में पूरे नहीं आ पाएंगे, काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी नहीं आ रहे। और इन लोगों के टिफ़िन बॉक्स धुले रखे हैं, ये हटा दूँगी, वैसे तो ये ना एक्स्ट्रा वाले जो धुल जाते हैं सूख जाते हैं वो मैं रखती जाती हूँ। साथ ही साथ अभी 1 किलो पोहे का पैकेट है तो वो भी मुझे रखना है, तो एक डिब्बे में तो नहीं आएगा, तो पोहे के मैंने 2 डिब्बे बना रखे हैं। एक शुगर का पैकेट रखा हुआ था, इसको मैं इसी में करके रख दूँगी। साथ ही साथ फटाफट से यहाँ पे काम करती जा रही हूँ, और ये इस तरीके से पैकेट अगर रख दो ना, मुझे मतलब ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर आप बॉक्सेस में करके रखो तो जब कभी काम करना हो तो फटाफट से मिल जाता है, और जो पैकेट में बचता है ना चीज़ वो रख दी जाती है, फिर वो कभी काम ही नहीं आ पाती है। तो इस तरीके से करके ही रखूँगी। और दाने का ये है कि दाने ज़्यादा क्वांटिटी में है, अभी जैसे ही इसमें ख़त्म होंगे तो मैं फिर से पलट के रख दूँगी। और ये पोहा मैंने 2 बॉक्स में कर लिया है, और यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी दालों के डिब्बे के साथ, एक नीचे रख दूँगी जिससे कि जब कभी ज़रूरत होगी ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर नीचे से निकालने के काम आ जाता है। और नीचे कुछ चीज़ें मैं अभी नीचे रखती हूँ, जिनमें ज़्यादा वेट होता है वो सारी चीज़ें मेरी नीचे ही रहती हैं, और जैसे दालें वाले के रोज वाले डिब्बे होते हैं वो सब ऊपर रखती हूँ, और जो जैसे और एक्स्ट्रा चीज़ हम जो इकट्ठी लेके रख लेते हैं वो सारी डिब्बे मेरे अलग रखे रहते हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, वजन ज़्यादा हो जाता है तो नहीं रखती हूँ। और ये यहाँ पर देखिए दूध निकलते निकलते बचा, दूध में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी हट जाओ, वैसे बहुत देर से गर्म ना हो रहा हो लेकिन तुरंत ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ ही मैंने एक साइड रख दी है कढ़ाई गर्म करने के लिए, तो आपके साथ आज यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। तो इसके लिए मैंने पहले 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में, और इसके बाद मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ मखाना। तो ये कटोरी मखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोस्ट करेंगे। इनको अच्छे से चला लीजिए, और बस 1-2 मिनट ही लगता है इसको पकने में। तो यहाँ पर ये देखिए मखाना तैयार हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन अभी हम इसको चलाएंगे जिससे कि नीचे से जले ना। तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो हम कढ़ाई को फिर से गर्म कर लेंगे, और ये मैंने दूध नहीं हटाया था तो ये बीच में कैमरे में थोड़ा दिक्कत दे रहा है। साथ ही मैंने फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाला है, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मुझे मैंने यहाँ पर ये लिया है हींग, साथ ही थोड़ा सा जीरा, और हींग जीरा को तड़का के, और बस मैं इसमें अभी और भी ये मैंने प्याज 2 बड़े कट किए थे, 2 टमाटर साथ ही कट किए हैं, और साइज़ आप इनका देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे पीसेस में मैंने कट किया है। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर प्याज को इस तरीके से थोड़ा सा भूनेंगे, और उसके बाद जो टमाटर कट किए हैं इन्हें भी हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो, बट मेरे यहाँ मिर्च नहीं खाई जाती है तो इसलिए आप मेरी सब्ज़ी में कभी भी देखोगे मिर्च नहीं होती है। थाली से ढक देंगे, थोड़ा 2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे, और आप देखोगे 1.5-2 मिनट में ही ये जो सब्जियाँ हैं एकदम से पक के तैयार हो जाएंगी। तो अब हम स्टेज पर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, और इस सब्जियों को ठंडा करके हम यहाँ पर इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये अभी बहुत ठंडी तो नहीं है, देखिए इसमें कितनी स्टीम निकल रही है, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो, लेकिन हाँ आपको बता दूँ अगर आप गरम इस तरीके से मसाला मिक्सर में ग्राइंड कर रहे हो तो बहुत केयरफुली कीजिए, क्योंकि जो स्टीम होती है ना वो ढक्कन को ऊपर को प्रेस करती है, तो मसाला पूरी मतलब किचन ही आपकी गंदी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर जैसे थोड़ा सा केयरफुली इसको पीसा था तो पीस गया था। इसके बाद मैंने कढ़ाई को फिर से गर्म करने रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्वांटिटी मैंने थोड़ी थोड़ी रखी है, बस मैंने 2-3 बार में डाली है, और
मैं देसी घी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि देसी घी से ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको कुछ शाही मतलब रिच खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मसाले को डाल के कढ़ाई में अच्छे से भूनेंगे, साथ ही हम इसमें एक दो इंग्रेडिएंट और हैं उन्हें ज़रूर ऐड करना है, इससे आपकी जो सब्ज़ी का फ्लेवर है टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं आधा चम्मच, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मैं आधा चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्टार्टिंग में जब हमने मसाले भुने थे उसी में दालचीनी डाल सकते हैं, थोड़े खड़े मसाले डाल सकते हैं, लेकिन वही है कि खड़े मसाले जैसे हर किसी को नहीं पसंद होते हैं और मेरे जो मसाले हैं वो घर के बने हुए होते हैं तो उन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू जो हम मार्केट से मसाले लाते हैं उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। कोई मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा मसाला है, जो घर में हम बनाते हैं मसाला उसकी महक बहुत अच्छी आती है। तो अभी यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मलाई ऐड कर दी है और हम इसे चला के बस थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे और जब तक पकाना है जब तक कि मसाला अच्छे से पक ना जाए, मलाई से घी अलग ना हो जाए। तो ये सब करने में हमें 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैंने ये अब लिया है दालचीनी पाउडर, इसे डाल दूंगी। और दालचीनी पाउडर वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है जो कि खाने के स्वाद को और बढ़ा देती है। तो अभी यहाँ पर मसाला और भुन के तैयार हो रहा है, साथ ही जो ग्राइंडर में मैं थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे इस ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। हम यहाँ पर ये ग्रेवी बनाने वाले हैं और जो सब्ज़ी बन रही है वो है मखाने की सब्ज़ी, इसी वजह से हमने मखाना पहले ही ड्राई रोस्ट करके रख लिया था। तो जैसा भी आपको सब्ज़ी का देखिए ग्रेवी रखनी हो, बहुत पतला करना है, थिक रखना है या फिर थोड़ा गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। उसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ ही जो हमने मखाना रोस्ट किया है उसे डाल देंगे। तो अभी यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी मुझे थिक लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि हम 2 मिनट के लिए इसे बॉईल करने वाले हैं और जैसे मैं तुरंत ही बना रही थी खाने का टाइम हो ही गया था तो इसलिए टाइम भी नहीं था इसको रखने का। वैसे तो ये आप थोड़ी देर के लिए रख दो तब ये मखाना सेट हो जाएगा और अभी यहाँ पर हम इसे चला कर छोड़ देंगे। साथ ही मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक भी डाल दिया था। सब्जी बन चुकी है तो अब मैं यहाँ पर किचन को थोड़ा सा क्लीन करने वाली हूँ और दूध वगैरह गर्म किया था तो ये सारा सब कुछ पैकेट वैकेट मेरे सारे निकले पड़े हैं और जो सब्जी बनाई थी वो तैयार हो चुकी है। तो इसे मैंने एक कैसरोल में कर लिया है जिससे कि इसे ढक के रख दूंगी तो कुछ टाइम के लिए गर्म भी बनी रहेगी और बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्जी बनी है मखाने की। और मखाना वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है, आप डेली में थोड़ा बहुत मखाने का प्रयोग ज़रूर करें। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो ज़रूर करें। अभी है शाम का टाइम तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर और यहाँ पर ये थोड़ी सी क्लिप मैंने निकाल ली थी तो अभी यहाँ पर दीपक जलाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर गणपति जी पधारे हुए हैं मंदिर में तो काफ़ी अच्छा मंदिर में फंक्शन होने जा रहा था, बाहर कीर्तन वगैरह का स्टार्टिंग हो रही थी तो यहाँ पर हनुमान जी हैं, शनिदेव जी की मूर्ति है उनके पास भी हम दीपक जलाएंगे और भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे। और ये जो वीडियो था इसे मैंने छोटी छोटी क्लिप में आपके साथ शेयर किया है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना और किस किस ने अपने घर पे गणपति जी को विराजमान किया है ये भी ज़रूर बताना और गणपति बप्पा मोरया आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसा अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।